वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, बीसी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड एसी का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दिस एंगल इज एक्स डिग्री। तो हमें इन सभी सवालों का वैल्यू फाइंड करना है। सो पहला है कॉस एक्स डिग्री। तो कॉस एक्स डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी बाई ए सी, और cos x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 20, यहाँ पे 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें cos x डिग्री का वैल्यू मिल रहा है 1/2। अब हमें cos x डिग्री का वैल्यू मिल गया है तो हम x डिग्री आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हेयर cos x डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है, और हम लिख सकते हैं cos x डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। अब हमें x का वैल्यू मिल गया है तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे बाकी सवालों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे है 1/tan²x माइनस 1/sin²x, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/tan²x को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स, माइनस 1/sin²x को लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर एक्स, इज इक्वल x का वैल्यू है 60 डिग्री तो हम उसे पुट कर देते हैं। सो cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3, सो यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल 1/3 माइनस 4/3 हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू 1-4 मतलब कि -3/3 इज इक्वल टू माइनस, तो इसका आंसर होगा -4। चौथा है यूज tan x डिग्री टू फाइंड y। सो tan x डिग्री इज इक्वल टू होगा, अगर हम इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो ए बी जो है ये हमें y दिया गया था, सो tan x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ए बी बाई बी सी, और x का वैल्यू हमें पता है x इज 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ए बी जो कि y है एंड बी सी जो कि 10 है, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इज इक्वल टू y/10, और y इज इक्वल टू 10√3, सो √3 का अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा 10 × 1.73 इज इक्वल टू 17.3, इसे 2 अगर करते हैं तो 17.32 हो जाएगा, 17.32 सेंटीमीटर। सो हमें y का भी वैल्यू मिल गया। थैंक यू।